विंध्य की धरा सबसे पवित्र धरती है। जहां एक ओर हिमालय दुनिया के सबसे पुराने पर्वतों में से एक है, वहीं दूसरी ओर विंध्य की पर्वत श्रृंखलाओं को संसार का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला होने का गौरव प्राप्त है। भगवान श्री राम ने भले ही अयोध्या में जन्म लिया हो और अयोध्यापति श्री राम के रूप में विश्व भर में पूज्य हो, किंतु यह सत्य है कि परमात्मा श्री राम ने विंध्य की इस पवित्र मिट्टी से अगाध प्रेम किया और अपने आशीर्वाद से विंध्य धरा और विंध्यवासियों को कृतकृत किया। तभी तो प्रभु श्री राम ने तमसा नदी के पार सुहागी पर्वत से होते हुए चित्रकूट में अपने वनवास काल का सबसे अधिक समय व्यतीत किया। ये चित्रकूट का और भगवान कामतानाथ का पुण्य प्रताप ही है कि परमात्मा श्री राम के युग से लेकर आज के वर्तमान युग तक एक से बढ़कर एक तपस्वी साधु संत और ऋषि मुनि चित्रकूट में निवास करते हुए राम की महिमा को भज रहे हैं। चित्रकूट की धरती पर बसने वाले सर्वश्रेष्ठ संतों में अनंत विभूषित राष्ट्र संत श्री सनकादिक महाराज का प्रमुख स्थान है, जो परमात्मा श्री राम के नाम का अखंड जाप सुमिरन करते हुए इस सृष्टि में सब कुछ भगवान श्री राम की इच्छा से संचालित मानते हुए कठोर से कठोर तप करने में अपने जीवन को राममय बना रहे हैं और हिंदू समाज की जागृत और उन्नत के लिए सतत कार्यरत है और कार्य कर रहे हैं। भगवान श्री राम के अनन्य उपासक सनकादिक महाराज जनता को प्रदान करने जा रहे हैं, जो अपने सैकड़ों वर्षों तक विंध्य की जनता जनार्दन को धर्म अर्थ काम से मोक्ष प्रदान करता रहेगा। रीवा के ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है। रीवा में रीवा के इतिहास का सबसे बड़ा 1008 कुंडी श्री राम महायज्ञ का रीवा के झरबद्री आश्रम के मैदान में 7 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आयोजन कर वह न सिर्फ रीवा का एक नया धार्मिक इतिहास लिखने जा रहे हैं, वरन श्री सनकादिक महाराज एक ऐसी प्रभु श्री राम की महिमा और उनका आशीर्वाद कृपा का आशीर्वाद रीवा सहित विंध्य की कृपा जनमानस पर बरसेगी, उससे और आर्थिक आध्यात्मिक दोनों ही रूप से क्षेत्र का कल्याण होगा। स्वभाव से दयालु और कर्तव्य से प्रभु श्री राम के चरणों के अनुरागी स्वामी सनकादिक महाराज ऐसे विरक्त संत हैं जो रात दिन राम जी की इच्छा से धुनि तापा करते हैं, योग साधते हैं और राम धुन में मस्त रहते हैं, लेकिन उनमें प्रभु ने इतनी सामर्थ्य और शक्ति दी है कि सहज ही हिंदू जनमानस को भक्ति के मार्ग पर प्रेरित करते हुए वह करोड़ों रुपए की लागत से इतने बड़े यज्ञ की रचना रीवा नगर में कर रहे हैं, जिसमें 51 लाख रुपए तो सिर्फ यज्ञ मंडप 1008 कुंडी बनाने में ही खर्च आ रहे हैं। और जब सनकादिक महाराज ने इस विषय में उनसे बातचीत की गई तो उनका एक ही उत्तर होता है, सब राम जी की इच्छा से पूरा होगा। वही यह भगवान है इस दुनिया में, वही भगवान है, वही यह करता है, वही यजमान है, वही यज्ञ के आयोजक है और वही यज्ञ के लक्ष्मी नारायण है। इस यज्ञ में लाखों लोग शामिल होंगे, जिनके भोजन प्रसाद के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाने वाले सैकड़ों विशेषज्ञ रीवा आ रहे हैं। आप भी देखिए कार्यक्रम के संबंध में महाराज ने क्या जानकारी दी है। राम जी की इच्छा से श्री राम महायज्ञ है, इसमें 1008 कुंड बनेंगे, इसमें लगभग 500-700 आचार आएंगे और इसमें 1008 से लेके 4000 तक यजमान राम जोड़ा बैठ के हवन करेंगे। राम जी की इच्छा से सनातन धर्म का यज्ञ विशिष्ट अनुष्ठान होता है, इसमें धर्म के सभी अंग आ जाते हैं। धर्म में राम जी जैसे नाम रूप लीला धाम, तो इसमें भगवान का नाम जो होता संकीर्तन होता है, कथा होती है, भगवान की लीला होती है और जय सीताराम धाम तो पवित्र बन ही गया है। तो नाम रूप लीला धाम ये चारों अंग जो धर्म के हैं ये इसमें सब एक साथ उपस्थित होते हैं। राम जी से यहाँ सनातन धर्म का एक विशिष्ट आयोजन है, इसमें राम जी की जैसे सनातन धर्म जो के लोग हैं जो ये थोड़ा समझ सके कि भाई हमारे यहाँ भी कुछ विशिष्टता है, तो एक इसलिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। ये जय सीताराम आगहन शुक्ल पक्ष षष्ठी से पूर्णमासी तक के अनुसार 7 दिसंबर से 15 दिसंबर तक। ये राम जी की इच्छा से इस स्थल को राम जी की सनकादिक राम जी आरंड
राम जी से बोलते हैं और ये विश्वविद्यालय परिसर में है राम जी जल बद्री धाम के नज़दीक। इसमें राम जी से समग्र देश से राम जी की से संत महात्मा यहाँ पधारेंगे। राम जी से इसमें जय सीताराम जम्मू कश्मीर इसमें हिमाचल प्रदेश हरियाणा पंजाब जय सीताराम राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र राम मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार बंगाल राम जी से और दक्षिण के जय सीताराम उड़ीसा तमिलनाडु राम जी से कर्नाटक केरला राम जी से कुछ दो तीन आसाम में जो प्रांत हैं कुछ प्रांत आसाम में जहाँ कोई साधु संत नहीं है वो छोड़ के लगभग लगभग जिससे सभी जगह से संत महात्मा यहाँ आएंगे। इसमें लगभग 8 जगतगुरु पधारेंगे और 121 महामंडलेश्वरों का यहाँ आना सुनिश्चित हुआ है। हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग कैंसर मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी यूरोलॉजी न्यूरोलॉजी हृदय रोग ऑर्थोपेडिक जनरल मेडिसिन बाल चिकित्सा जनरल एवं लेप्रोस्कोपी प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस पैथोलॉजी फार्मेसी डायलिसिस 2D इको छाती की जांच, सोनोग्राफी PFT फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस कैशलेस सुविधा आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हेल्पलाइन नंबर 90 74 51 46 14।